सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा जो है हम लोगों को याद करने की जरूरत होती है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूट बिल्कुल किसकी तरह हमने बताया था, चीनी की तरह। सॉल्वेंट बिल्कुल किसकी तरह, पानी की तरह। और हमने सॉल्यूशन को किसकी तरह बताया था, शरबत की तरह। देखो चीनी हमेशा कम होती है जब हम शरबत बना रहे होते हैं, यानी कि सॉल्यूट वो होता है जो हमेशा अपनी क्वांटिटी को कम रखता है। तो जो सॉल्यूट होगा हमेशा क्या होगा, कम होगा, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होगा, और इसके बाद सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो इसका मतलब सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज्यादा और दोनों को मिला दो तो सबसे ज्यादा। ये बात हमने सीखी थी। पहचानने का तरीका भी हमने बताया था कि जो सॉल्यूट हुआ करता है वो लिखने में क्या है, देखो छोटा कम, तो इसलिए हम लोगों ने इसको कम मान लिया। सॉल्वेंट लिखने में बड़ा है, इसको हमने ज्यादा मान लिया। इस तरह से भूलेगा नहीं। अब देखो कुछ यूनिट है जो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूट के अमाउंट को डिफाइन करने का तरीका है कि अगर तुम किसी भी सॉल्यूट को देखोगे तो या तो उसको एक लीटर में घोलोगे या उसको एक केजी में घोलोगे। दो तरीके हमने सीखे थे, उनमें से जो पहला तरीका था वो क्या था, मोलैलिटी। दूसरा तरीका क्या था, मोलैरिटी। और जो तीसरा तरीका था वो क्या था, नॉर्मेलिटी। जो नॉर्मेलिटी होगा उसको कैपिटल एन, मोलैरिटी कैपिटल एम, और मोलैलिटी को स्मॉल एम से हमने बताया था। देखो जो मोलैलिटी होती है वो स्मॉल एम, फिर मोलैरिटी कैपिटल एम, नॉर्मेलिटी कैपिटल एन। शुरुआत भी हमने स्मॉल एम से किया है और एम के बाद क्या आता है, एन आता है। तो पहले स्मॉल एम, कैपिटल एम और फिर इसके बाद कैपिटल एन। मोलैलिटी जो है वो स्मॉल एम है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता जाना, इसमें भी कुछ लोग भूल जाते हैं कि मोलैलिटी क्या है, स्मॉल एम इसका मतलब क्या है, छोटा भाई। हमने बताया था कि जो मोलैलिटी होता है वो छोटा भाई है, हाँ, और मोलैरिटी क्या है, बड़ा भाई है। तो जैसे मोलैलिटी जब बोलो तो ऐसा लगता है क्या है, तुतला रहे हो, मोलैलिटी तुतलाने जैसे फीलिंग आ रही है। तो इसका मतलब है वो क्या है, स्मॉल एम है। और मोलैरिटी क्या हो गई, थोड़ा सा क्लियर बोल रहा है। मोलैरिटी वो कभी बोल पाएगा जब कौन होगा, बड़ा भाई, छोटा भाई तुतलाएगा, मोलैलिटी। तो इसको ये हमारे सामने क्या हो गया, रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब देखो स्मॉल यम यानी कि मोलैलिटी कैसे पता करनी है, कैपिटल यम यानी कि मोलैरिटी कैसे पता करनी है, और नॉर्मेलिटी कैसे पता करनी है, ये तीन तरीके एक साथ हम सीखेंगे। देखो जनरली हम लोग क्या करा करते हैं, जब भी किसी फार्मूले को बनाते हैं, परसेंटेज को बनाते हैं, तो हमेशा कम जो होता है उसको ऊपर रखते हैं और जो ज्यादा वाला अमाउंट होता है उसको नीचे रखते हैं। जैसे तुम अपने हाई स्कूल का परसेंटेज ही निकालो, इस साल ट्वेल्थ का निकालोगे, निकालोगे नहीं निकालोगे, अब देखना। अब यहां पर हमने पहले से ही कुछ चीजों को डिजाइन कर ली है, छोटा यानी कम ये है तो कम वाला हमेशा क्या रहेगा, ऊपर, और ज्यादा हमने दो चीजों को लिखी है तो ये क्या रहेंगे, नीचे। यानी कि ज्यादा यानी कि किसी दो चीज के नीचे रहने की संभावना है, क्योंकि उसमें ज्यादा टर्म यूज हुआ है, और हमेशा ज्यादा वाला क्या रहेगा, नीचे, और कम वाला हमेशा ऊपर रहेगा। संयोग की बात है, कम वाला केवल एक है, क्लियर। यानी कि सॉल्यूट सब में चलेगा।
अब देखो इसमें करेंगे क्या, जो तुम्हारा सॉल्वेंट है उसको बस केजी में रखना होता है। अब देखो इसमें क्या करेंगे यहां पर, हाँ एक चीज और हमें बताना है, ये ज्यादा कब यूज होगा और सबसे ज्यादा वाला कब यूज होगा नीचे रखने में। तो छोटे वाले भाई को यानी स्मॉल एम को जब नीचे देने की बात आएगी तो ज्यादा वाला छोटा है ना, अब बड़े वाले यानी कैपिटल एम और कैपिटल एम को जब देने की बात आएगी तो किसको रखोगे, सबसे ज्यादा वाला यानी कि सोल्यूशन की बात रखोगे और छोटे वाले भाई के लिए क्या रखोगे, सॉल्वेंट की बात करोगे। तो यहां पर सॉल्वेंट रखेंगे, लेकिन सॉल्वेंट जो रखेंगे वो अपना क्या रखेगा, मास रखेगा केजी में, ये थोड़ा सा याद करना है। तो क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें रखोगे, केजी में। अच्छा नीचे क्या रखोगे, इसमें इनमें तो सबसे ज्यादा वाला रखोगे कैपिटल एम वाले, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है, क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किसमें रखना है, लीटर में, ये केजी में मास है वो लीटर में है, ये भी कैपिटल एन है तो क्या रखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और किसमें रखना है, लीटर में, ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा, सही चल रहा है। अब तुमको क्या रखना है, मोलैलिटी, मोलैलिटी में ऊपर की तरफ क्या रखना चाहेगा, सॉल्यूट, सॉल्यूट क्योंकि कम हुई है तो यहां पर क्या रखवाया था हमने, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल को रिप्रेजेंट करते स्मॉल एन से तो हमने क्या लिख दिया, मोल ऑफ सॉल्यूट, यहां क्या रखोगे, मोल ऑफ सॉल्यूट, और यहां पर क्या रखोगे, हाँ लेकिन तुम अभी रखो मोल ऑफ सॉल्यूट, नहीं अब इसमें ये तो सर दोनों फार्मूले तो सेम हो गए तो तीसरा वाला है कुछ ऐड करना पड़ेगा, तुम लोग अपनी 11th की याददाश्त से कुछ निकालो कि इसमें क्या ऐड कर दें, कि क्योंकि तुम्हारी अंदर से इच्छा हो रही होगी कि यहां पर तो आपने कराया था W अपान ई है ना, ग्राम इक्विवेलेंट, ये यहां पर आपने मोल सॉल्यूट रख दिया। आ जाओ जो तुमने पीछे क्लास में पढ़ा था वो एन बराबर क्या पढ़ा था, बोलो, W अपान ई इंटू वी लीटर इसका सॉल्यूशन का, यही तो पढ़ते थे। अच्छा ई क्या था, इक्विवेलेंट वेट, और W अपान ई जब बोलते थे तो क्या बोला, ग्राम इक्विवेलेंट, तो हम एक बार फिर से लिख रहे हैं, ई बराबर क्या होता है, बोलो, इक्विवेलेंट वेट, और W अपान ई क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। कहने का मतलब यह हो गया, ई जब बोलते हो तो अपने आप निकल के आ रहा है इक्विवेलेंट वेट, अब जब इसको बोलना होगा तो ऊपर क्या है, ग्राम वेट अपान इक्विवेलेंट, तो अपने आप बोलोगे ग्राम इक्विवेलेंट, क्या बोलोगे, ग्राम इक्विवेलेंट, और ई क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट। अब थोड़ा सा देखना, डब्ल्यू अपान ई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। अच्छा ई बराबर भी तो बताया था तुम लोगों को, ई बराबर क्या बताया था, मॉलिक्यूलर वेट अपान एक्स, यानी कि वैलेंस फैक्टर, एक्स क्या बताया था हमने, वैलेंस फैक्टर। तो तुम यहां पर डब्ल्यू अपान ई के जगह पर ई के प्लेस पे क्या रखना है, मॉलिक्यूलर वेट अपान एक्स इंटू वी लीटर, सही चल रहा है अभी तक, एक्स यहां पर क्या है, वैलेंस फैक्टर, डब्ल्यू अपान एम ग्राम वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बोलो, मोल स्मॉल एन, अभी हमने बताया, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बताओ इसको क्या लिख सकते हो, मोल, ये मोल लिख दिया, और ये एक्स यानी वैलेंस फैक्टर कहां चला जाएगा, इंटू एक्स अपान क्या रहेगा, वी लीटर, यानी कि तुम यहां पर केवल एक्स यानी वैलेंस फैक्टर से गुणा कर दो तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, बोलो, मोल नॉर्मेलिटी, नहीं समझ बात आई, तो एक बार दिमाग से सोचो कि एक तो पहली बात ये कंफर्म हो गया कि मोल ऑफ सॉल्यूट 100% ऊपर रखा जा रहा है, अब क्यों यहां पर कॉमन बात हो जा रही है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स से यानी वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे लास्ट वाले को, तो जिससे कुछ अलग बन जाए, यानी कि तुमने क्या किया, नॉर्मेलिटी को बनाने के लिए मोलैरिटी में एक्स से गुणा किया, इसको तुमने क्या याद किया था, एन बराबर एम इंटू एक्स, जिसको शॉर्ट में हमने क्या बोला, नमक्स बोला था, क्या बोला था हमने, नमक्स,
तो यन बराबर यम इंटू यक्स, इसको बोलेंगे नमक। क्यों? क्योंकि ये हो गया नॉर्मेलिटी, ये पता ही है तुम लोग को पहले से, हम शॉर्ट में ट्रिक फिक्स लिख के दे रहे हैं नमक, ऐसे बोलो n बराबर m इंटू x। अच्छा इसको जब तुम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था याद है क्या? मेरे ख्याल से नमक का सबसे ज्यादा यूज उसमें किया था। अब जाकर यहां पर कई जगह करोगे, तीनों जो फिजिकल के जो चैप्टर पढ़ने वाले हो इसमें बार बार यूज करोगे नमक, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी हो गया n बराबर m इंटू x, यहां पर ये क्या थी? मोलरिटी थी। इस मोलरिटी में कितने से गुणा, किससे गुणा कर दिया? x से, तो तुमको क्या मिल गया? नमक। क्लियर हो गया? एक बार और सुनो, हमने क्या बोला? ये स्मॉल m जिसको मोलरिटी बोला, छोटा भाई है तुतलाएगा, बड़ा भाई है मोलरिटी कैपिटल m, नॉर्मेलिटी क्या हो गया? कैपिटल n। अब हमने बताया जब छोटा भाई है तो इसमें छोटा वाला यानी रखो, यानी ज्यादा में जो दो चीजें हैं, ज्यादा सबसे ज्यादा, तो छोटे वाले के लिए क्या रखो? ज्यादा। और जो कैपिटल एम और कैपिटल एन से लिखा है उसमें क्या लिखो? सबसे ज्यादा, यानी कि क्या रखोगे? सोल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्लियर हो गया? मास इन केजी किसका? सॉल्वेंट का, सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्यूट, और उसमें कितने से गुणा कर दो? एक्स से। क्लियर हो गई बात? तो तुम इसको डिफिनेशन, अब देखो डिफिनेशन तुम्हारे बनाने के कई तरीके हैं, अब डिफिनीशन बना देते हैं शॉर्ट में। एक बार सुन लो, डिफिनीशन बनाने के लिए आएगा, लिखने के लिए डिफिनीशन आती है, ट्वेल्थ में लिखने के लिए आती है, बोर्ड में आती है, इलेवेंथ तो छोड़ दो। तुम क्या सोच रहे होगे सर ये इलेवेंथ वाला पार्ट है आपका है, है ना? ये एक छोटी सी डिफिनीशन ही आती है, नॉर्मेलिटी लिखो, मोलरिटी। अब यूज ये जो सोल्यूशन चैप्टर पढ़ने वाले हो उसकी डिफिनीशन उसमें फार्मूले में ही यूज होगा, ये फार्मूले यूज होंगे। अभी हर लेक्चर में बिना इनके बोले हमारा काम ही नहीं चलेगा, समझ रहे हो? क्योंकि कंसंट्रेशन है ये। आ जाओ देखो क्या है इसकी कहानी क्या है। तुम पूरा का पूरा सॉल्वेंट है उसमें कितना सॉल्यूट घोल रहे हो, पूरा का पूरा सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट मिला रहे हो या है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है जिसमें क्या मिला रहे हो? सॉल्यूट। मोलैलिटी की डिफिनेशन हमने क्या बताई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखा है? सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी क्या है ऑफ सॉल्वेंट, या यहां बोल दो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया। अब मोलरिटी बताओ, मोलरिटी का मतलब क्या हो गया बोलो? सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा? सॉल्यूट, क्योंकि ज्यादा क्या है सॉल्यूशन, कम क्या है सॉल्यूट। तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ क्या बोलोगे? सॉल्यूशन इज नोन एज बोलो मोलैरिटी। अब ये लिखते रहना। नॉर्मेलिटी क्या बताओगे? देखो नॉर्मेलिटी को बताने के लिए तुम्हें डब्ल्यू अपान ई का यूज करना पड़ेगा, और डब्ल्यू अपान ई को क्या बोला? ग्राम इक्विवेलेंट वेट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी बताओ? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट आप सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर आप सॉल्यूशन, ये तुम्हारी डिफिनेशन हो गई। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि यहां पर W अपान E है, यहां पर मोल है सॉल्यूट का। W अपान E क्यों लिया गया है कोई बताएगा? यहां पर जैसे क्या है कि मोल आप सॉल्यूट से खुश क्यों नहीं था? कौन बताएगा कि नॉर्मेलिटी को लाया क्यों गया, क्या ऐसा अलग था उसमें बताओ? देखो ऐसे कंपाउंड के लिए कि जो नंबर आप एटम या मॉलिक्यूल पहले कुछ और दिखा रहा था, लेकिन जब उसको जैसे सोल्यूशन में डाला गया तो वो क्या हो गया? नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल क्या हो गए? ज्यादा हो गए। जैसे भाई तुम HCl को भेजे, अच्छा इसके पहले की चर्चा, ये जो दो यूनिट आई थी स्पेशली किसके लिए आई थी? जैसे यूरिया टाइप के कंपाउंड, यूरिया है NH2CO, तुमने पानी में डाले तो ये रहेगा बोलो, जैसे NH2CO, ये यूरिया है, अगर इसको पानी में डालोगे तो इसी तरह रहेगा। ग्लूकोज है C6H12O6 है तो C6H12O6 ही रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसे कंपाउंड आ जाते हैं जैसे H2SO4, टूटने के बाद क्या बना लिया? 2H+SO4-2 नाटक।
आयंस बन गए, नंबर ऑफ एटम क्या हो गए, बढ़ गए, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। शादी में तुमने क्या किया, किसी को कार्ड दिया ये सोच करके कि भैया एक आदमी का निमंत्रण है आएंगे, जब स्कूटी से लेके अपना आए तो पता लगा पीछे वाइफ, बीच में एक बच्चा, आगे एक बच्चा, जब स्कूटी से एक उतरे तो पता लगा टोटल कितने हो गए, चार। सोच के क्या दिए थे निमंत्रण कि एक लोग आएंगे, तो अब बताओ ये गड़बड़ हुआ कि नहीं, यही तो बैलेंस फैक्टर निकल के आया था नहीं। और यही तुम्हें पूरे में पढ़ना, ये चैप्टर ही सॉल्यूशन का है, उसमें यही आएगा। दो तरह के क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी जब चर्चा होगी यही एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। अब किसी के यहाँ एक का निमंत्रण, चार पहुंच गए, एबनॉर्मलिटी हो गई, पता लगा शाम तक में खत्म खाना, उस लोग भूखे टहलना, यही एबनॉर्मलिटी हो गई, समझ रहे हो ना। तो एबनॉर्मलिटी यही होती है जब होता या दिखता आयंस कितना है, केवल एक, लेकिन निकल के कितना आ गया, तीन तीन हो गई, टेंशन की नहीं हो गई। तो कुल मिलाकर के हम लोगों को नॉर्मलिटी लाना इसीलिए पड़ा, इन्हीं लोगों के लिए लाना पड़ा कि तुम लोग का भरोसा नहीं है कुछ, है ना, कि तुम बताओ दिखा कुछ रहे हो, निकाल के कुछ और आयंस आओगे। तो नॉर्मलिटी लाई गई इसीलिए वैलेंस फैक्टर। अवैलेंस फैक्टर तुम लोग को बताया क्या था, इसमें क्या क्या हो सकता है बताओ, या तो तुम नंबर आप क्या बोलोगे एच प्लस, या क्या बताओगे ओ एच माइनस, या रिडॉक्स में जो इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, बोलो। तो यही तो तुम्हारा वैलेंस फैक्टर सिखाया गया था। तो तीन तरीके से तुम इसको एसिडिटी बेसिसिटी तुमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये हो गया तुम्हारा नॉर्मलिटी लाने का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तुम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नोट करो क्वेश्चन, कैलकुलेट द कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम यानी AOH इन 450 ml, इन 450 ml सोल्यूशन। है ना, देखो ये W ग्राम वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो। मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालोगे, NaOH का कितना है बोलो, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का बोलो 16, हाइड्रोजन का कितना पहुंच गया 40। अब तुमको बस मोलैरिटी का क्या पता होना चाहिए, फार्मूला हमने क्या बताया N/V लीटर में इसका सोल्यूशन का, और ये N क्या, सॉल्यूट। सॉल्यूट वो होता है जो इस सोल्यूशन में घोला गया है, NaOH को घोला गया है। अब मोल बराबर क्या बताया हमने, W अपान M इंटू वी लीटर। तो बताओ W कितने ग्राम है, 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है बोलो, 40। अब एक बात है, यहां पर वॉल्यूम जो है किसमें लेना है, लीटर में दिया कितना है, अब 450 ml दिया है, क्यों, तो हम लोग लिखेंगे 450 ml, और इसको हमें किसे बनाना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में बदलना है, बस हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा बताओ, थोड़ा सा 0.278 कैपिटल M, यही आ रहा है क्या, 0.278 कैपिटल M। नहीं आएगा, अब इस देखो सुनो, सब लोग लिखना बंद करो, इसको लिखने का एक और तरीका, कैपिटल M तो तुमने लिखा दिया, क्योंकि कैपिटल M किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलैरिटी को। इसके जगह पर तुम एक चीज और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 0.278 बताओ मोलर, मोलैरिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोलर सॉल्यूशन जैसे बोला जाएगा, या फिर क्या बोल सकते हो 0.278 मोल पर लीटर, नहीं यार मोल पर लीटर, तो इसको बोल सकते हो मोल पर लीटर को ऊपर ले आओ तो क्या लिख दोगे, लीटर इनवर्स, तीन तरीके से लिख सकते हो। इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देखो अभी और कौन सा क्या पार्ट निकालने के लिए हमने डिस्कस किया था बताओ, मोलैरिटी, अब क्या निकाल रहे हो, मोलैरिटी स्मॉल M ना, तो स्मॉल M निकालने के लिए अभी क्या रटवाया था हमने,
मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल ऑफ सॉल्यूट यानी डब्ल्यू बाई एम, और डब्ल्यू केजी किसका, सॉल्वेंट का। तो यहां पर डब्ल्यू कितने ग्राम है बताओ। अच्छा एक बात और है, यहां पर 75 ग्राम यानी 75 ग्राम क्या है, बेंजीन, और 2.5 ग्राम क्या है, इथेनोइक एसिड। इनको मिलाया गया, अब ये पता नहीं है कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट। अब तुम्हें समझ में आएगा कि हमने क्यों रटाया था कि सॉल्यूट क्या होता है कम और सॉल्वेंट क्या होता है ज्यादा। तो बताओ इसमें कम कौन है, 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड कम है, जबकि 75 ग्राम क्या हो गया, बेंजीन ज्यादा। तो जो कम है उसको क्या मानोगे, सॉल्यूट, और जो ज्यादा है उसको क्या मानोगे, सॉल्वेंट। बोलो सही ना, तो बस हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो यहां पर सॉल्यूट है उसका डब्ल्यू लिखना है, तो क्या लिखोगे, 2.5 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 60। अब बताओ जो तुम्हारे पास बेंजीन है वो सॉल्वेंट है, वो कितने है, 75 ग्राम। तो 75 ग्राम और अपान, अब बताओ केजी में रखना है लेकिन ये ग्राम में है, तो बताओ कितने से डिवाइड करोगे, 1000 से। और ये तुम्हारे पास हो गया क्या, कैलकुलेट करने के बाद मोलैलिटी 675 ऊपर चला जाएगा क्या, 1000 ये ऊपर। अब इसको कैलकुलेट करो जल्दी से, हाँ 0.556 ऐसे कुछ आ रहा है ना, ऐसा नहीं होगा इस्माल एम। अच्छा इसको और देखो, अभी तुमने कैपिटल एम को क्या लिखा था, मोलर, इस्माल एम को क्या लिखोगे, मोलल। तो 0.556 मोलल, या फिर इसको क्या लिखोगे, 0.556 बताओ मोल पर केजी, क्या बोलोगे, मोल पर केजी, मोल पर केजी। अब तुम लोगों को समझ में आ गया कि कैसे जो है मोलैलिटी और मोलैरिटी को निकालना है, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, नोट करो जल्दी से। अब करना क्या होगा इसके बाद, इसके बाद के कॉन्सेप्ट को कैसे करोगे। अब तुम्हारे पास क्या आ गया, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ये क्वेश्चन जो बहुत सीधे साधे हैं, देखो ये वाले, ये स्टेप 11th का था अभी तक ये क्वेश्चन। तुम सोच रहोगे ये बड़ी, ऐसा कुछ नहीं है, अभी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी मोलैरिटी में अभी कूदना बाकी है। ये याद, बस तुम्हें पानी के छींटे हैं हमने डाली है जो 11th की थी, समझ रहे हो ना। इसमें कम से कम मोलैरिटी मोलैरिटी में कम से कम 4 घंटे का लेक्चर है, समझ रहे हो, क्वेश्चन के साथ।